आज हम बनाएंगे वेज चोको बनाना केक। इसमें मैंने बिल्कुल भी मैदा या शुगर का यूज़ नहीं किया है। ये काफ़ी मॉइस्ट है, इसमें मैंने बनाना डाला है, ये काफ़ी हेल्दी और फिलिंग है। वेलकम टू विनीस कुक बुक। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लव व्हाट आई मेक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ऐसे पैन में थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा आटा डस्ट कर इस तरह से फैला लेंगे। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। पहले मैं एक कप व्हीट फ्लोर ले रही हूँ, हम एक ही कप मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब हम इसे अच्छे से सीव कर लेंगे, छान लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ एक पका हुआ केला लिया है, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। बनाना का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम एक बोल में हाफ कप ऑयल डालेंगे। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। हाफ कप जैगरी पाउडर, जैगरी है तो वो भी डाल सकते हैं आप। 1/4 कप कर्ड, क्योंकि एक वेज केक है तो इसमें मैंने कर्ड डाला है, आप एग भी डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ टोटल 1 कप मिल्क ले रही हूँ, जो मैं पोर्शंस में डालूँगी। अभी मैंने थोड़ा डाला और मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें हम बनाना ऐड कर देंगे एंड देन विल मिक्स इट अगेन। इसमें आप घी भी डाल सकते हैं ऑयल की जगह। ये 1/2 कप मिल्क पाउडर है, आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, इससे केक थोड़ा और यमी हो जाता है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, वो भी पोर्शंस में। पहले थोड़ा डाला मैंने, अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा और मिल्क ऐड कर। ये काफ़ी फिलिंग है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इट्स वेरी इजी टू मेक। अब यहाँ हम बाकी बचा हुआ मिक्सचर ऐड करके उसमें थोड़ा और मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ कंसिस्टेंसी हमें देखनी है। रोबी उसको बहुत स्मेल आ रही है, क्या टेस्टी बन रहा है आज। सो बचा हुआ मिल्क भी ऐड कर देंगे एंड मैं यहाँ पे कुछ कैशेज और आलमंड्स ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। एंड देन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग इज़ वेरी ईजी, इज़ जस्ट द मेजरमेंट्स, आपको सही मेजरमेंट्स में डालना है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसे हम उस पैन में पोर कर लेंगे। कितना यम्मी लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा टैप कर। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा मेकर लिया है, आप कुकर में बना सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं। इसे थोड़ा प्री हीट करके इसे मैं 40-45 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। टेम्परेचर करीब 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो वो अच्छे से हीट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप इसमें मीडियम फ्लेम में कुकर को रख सकते हैं। नाउ सी यू आफ्टर 40 मिनट्स। रोबी, ये हो गया? व्हाट इज दिस? केक! ये! सी हिज फेस, ही हैज बीन स्मेलिंग इट, स्मेल आ रही थी उसे। So yeah, I guess it's done. So we'll check it. And yeah, it's clean. Okay? ये काफ़ी स्पॉन्जी है, आप ऐसे चेक कर लें उसे कि वो पक चुका है एंड देन अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। बेकिंग कम्स विद प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे। सो या कीप बेकिंग। अभी इस तरह से हम इसे निकाल के प्लेट में निकाल लेंगे। धिन्ना धिन्धा
तो ये निकल गया है एंड इट्स वेरी स्मूथ. एंड इसे आप इसके ऊपर आप आइसिंग भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि फिर उसमें शुगर यूज़ करना पड़ता है. सो या मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एंड ये बन चुका है. काफ़ी मॉइस्ट है गाइस क्योंकि इसमें मैंने बनाना ऐड किया था तो उसका मॉइस्चर है, तो ये बहुत ही यम्मी है. आई कैन नॉट गिव इट टू रोवर. व्हाट आर यू लुकिंग एट रूबी? केकू? No. I had it. Poor you. You cannot have this. But all of you can have it. Except you. आपने अपना समय निकालकर इस वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से थैंक यू. Please guys like and subscribe my channel if you loved what I make. Bye.